इनकी डेयरिंग देखिए, इनका दुस्साहस देखिए, पुलिस के सामने सरेंडर करने की बजाय ये पुलिस को चकमा दे रहे हैं। पूरे सिस्टम को ये भागने का मतलब है, सरेंडर न करने का मतलब पूरे सिस्टम को, पूरे लोकतंत्र को, पूरे संविधान को चकमा देना। और अगर कुछ गड़बड़ हो गई, खुदा न खास्ता, हालांकि मैं अहिंसा में विश्वास करता हूं, ऐसे में अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो न जाने कितने लोग और अपने सहरे जमीन पे गिरा देंगे, चूड़ियां तोड़ेंगे, क्या करेंगे समझ में नहीं आता है। जितने प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, ये मनीष सिंह जी अभी बोल रहे थे एक बेटी को जो है जालौन में गोली मार दी थी, बात सही है, 9 घंटे बाद ही पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया। खुशी की बात यह है कि अपराधी अपराध कर रहा है लेकिन उसको जवाब मिल रहा है। इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति आज के पहले सरकारों में कभी नहीं देखी गई। और किस मुंह से ये लोग बचाव कर रहे हैं मुझे तो समझ में नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे पर्सनल इनका इनकाउंटर होने वाला है या इनके ऊपर गाज गिरने वाली है। सबसे बड़ी दुर्दशा मैं ये देख रहा हूँ, ठीक है, कानून अपनी विवेचना करेगा क्या सही हुआ क्या गलत हुआ, और कानून से ज्यादा ताकतवर अपने लोकतंत्र में कोई नहीं है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। मैं ये देख रहा हूँ एक तबका पत्रकारों का, प्रवक्ताओं का ऐसा है जिनके मुंह से आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि भाई जो लोग भाग रहे हो वो आकर के कानून के सामने सरेंडर करिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाजपा के सामने या योगी जी के सामने या मोदी जी के सामने या अखिलेश यादव के सामने सरेंडर करिए, आप कानून के सामने सरेंडर करिए। किसी के भी मुंह से ये नहीं निकल रहा है। हमारे सपा के जो और मित्र बैठे हैं आप उनको बोलिए, आप शाइस्ता को बोलिए कि भाई आप सरेंडर करिए, आप क्यों भाग रहे हैं। अच्छा, जिन लोगों ने सरेंडर कर दिया, सरकार किसी की भी रही हो, फुलंदे भी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, उन्होंने सरेंडर किया, बाकी की जिंदगी सजा काटने के बाद उन्होंने अच्छे तरीके से मुख्य धारा में गुजारी, तो भाई इस रास्ते को क्यों नहीं अपना रहे हो।